हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे कार्डियोलॉजी मेडिसिन में आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट के बारे में, ठीक है ना। तो आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट समझने से पहले एक चीज़ आप लोग समझ लो, ठीक है। बेसिक थोड़ा सा नॉलेज आप लोग ले लो, ठीक है ना। मान लो ये मैंने हर्ट के चैम्बर्स बना दिए, ठीक। ये हो गया आपका राइट एट्रियम, ये हो गया आपका लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक। अब एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट मतलब दो एट्रिया के बीच में सेप्टम बन गया, ठीक है ना। सेप्टल डिफेक्ट, सेप्टल जो है क्लोज नहीं हुआ, ठीक है ना। अब ये अगर सेप्टल नहीं क्लोज हुआ, मान लेते हैं सेप्टल क्लोज नहीं हुआ, तो क्या होगा। जो इसमें क्या होता है कि जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर ज़्यादा होता है, ऑब्वियसली ना, लेफ्ट एट्रियम से आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से प्रेशर ज़्यादा होता है तभी ना ऑटो आम जाता है, ठीक। तो अगर लेफ्ट साइड में प्रेशर ज़्यादा है तो ब्लड किधर जाएगा, लेफ्ट टू राइट जाएगा, राइट एट्रियम में, ठीक है। अब देखो ये अओटा है मान लो, ठीक है ना, ये पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक, पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है। अब जब इसमें कम ब्लड जाएगा, तो क्या होगा, इसमें कम ब्लड जाने लगेगा बिकॉज जो ब्लड आया वो इधर से इधर चला गया, लेफ्ट टू राइट शंट हो गया और इधर ज़्यादा ब्लड आने लगा। अब इधर ज़्यादा ब्लड आएगा तो क्या होगा, राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी होगी, ठीक है ना। लेफ्ट वेंट्रिकल में अब जो है ब्लड कम आने लगा। जो अब एक आपने पढ़ा होगा कि A2P2 जो कि S हार्ट साउंड को होता है, ठीक है। इसके लिए बेसिक नॉलेज थोड़ी सी आपको आनी चाहिए, ठीक है ना, कि जो S2 होता है, S2 हार्ट साउंड होता है, उसको A2P2 में करते हैं, A2P2, ठीक है ना। A2P2 मतलब क्या होता है, जो आर्टेरिया मतलब कि ये दोनों बंद होने के साउंड से ना, S2 हर्ट, और S1 क्या होता है, मिट्रल और ट्राइकस्पिड वॉल का क्लोजर, और S2 क्या होता है, आउटिक वॉल एंड पल्मोनरी वॉल का क्लोजर, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि A2 और P2 क्यों लिखते हैं, क्योंकि A2 जो है पहले क्लोज होता है, 30 मिलीसेकंड का डिफरेंस होता है, इसी को S2 जो कि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्प्लिट होता है, ठीक है ना, S2 साउंड का। अब इसमें अगर ब्लड कम आया, तो ये जल्दी बंद होगा। मतलब मान लो अगर इसमें ब्लड कम आया क्योंकि लेफ्ट एट्रियम से ये राइट एट्रियम में चला गया, तो A2 इधर चला जाएगा, मतलब कि A2 का जल्दी बंद हो जाएगा। तो A2 का मान लेते हैं, अगर ये दो लाइन है, ये दो मतलब कि क्लोजर का एक ड्यूरेशन है 30 मिलीसेकंड का ये है, तो A2 तो पहले बंद हो जाएगा। अब क्या होगा, P2 जो है यहाँ पे देर से बंद होगा। क्यों देर से बंद होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा ब्लड आया, तो इसको ज़्यादा ब्लड भेजने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, तो P2 भी देर से बंद होगा। तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे वाइड स्प्लिट सेकेंड हार्ट साउंड होगा, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आती है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट की। तो इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको याद रखना है हमेशा, समझाने से पहले मैंने बता दिया वाइड स्प्लिट हार्ट साउंड क्यों होता है, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट की। तो डेफिनेशन क्या है, पहली बात तो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट इज एन एबनॉर्मल ओपनिंग, ये तो पहली बात, एक एबनॉर्मल ओपनिंग है बिटवीन राइट एंड लेफ्ट एट्रियम, मैं बता चुका, रिजल्टिंग इन लेफ्ट टू राइट शंटिंग ऑफ द ब्लड। क्यों लेफ्ट टू राइट शंटिंग, क्योंकि लेफ्ट चैम्बर्स ऑफ द हार्ट में प्रेशर ज़्यादा होता है, इसलिए लेफ्ट टू राइट शंटिंग होती है, ठीक है ना, और ब्लड की। इंसिडेंस क्या है, ये अप्रॉक्सीमेटली 9% ऑफ ऑल केसेस में होता है, ये 9% केसेस में होता है, ठीक है। टाइप्स इसके क्या क्या होंगे, तीन टाइप्स होते हैं, ठीक है ना, बेसिकली इसके तीन टाइप्स होते हैं। पहले तीन टाइप्स के बारे में पहले बात करें, पहले उसकी लोकेशंस क्या क्या होती है मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। ये देखो, ये मैंने हर्ट का एक बेसिक डायग्राम बना दिया, ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट। अब सबसे ऊपर क्या होगा, सबसे ऊपर में होता है साइनस वेनोसस, ठीक है ना। फिर उसके नीचे क्या आता है, ऑस्टियम सेकेंडम, फिर उसके नीचे क्या आता है, ऑस्टियम प्राइमम, ठीक है ना। अब लोकेशन क्या होगी एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट की, जो डिफेक्ट है उसकी लोकेशन क्या होगी, उसके ऊपर ये तीन नाम रखते हैं, ठीक है। ये तीनों ही एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है, बस नाम अलग अलग हो गए, क्यों, क्योंकि लोकेशन के कारण। अगर सबसे ऊपर है साइनस वेनोसस, बीच में है ऑस्टियम सेकेंडम, नीचे है ऑस्टियम प्राइमम, ठीक है। यहाँ पे क्या दिखाया, ब्लड फ्लो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एट्रियम, ये लेफ्ट टू राइट एट्रियम में जाएगा, ठीक। अब इसमें के टाइप्स वही डिस्कस करते हैं कि ऑस्टियम सेकेंडम ASD क्या होता है। ऑस्टियम सेकेंडम ASD क्या है, मोस्ट कॉमन टाइप है, पहली बात, मोस्ट कॉमन टाइप है, सबसे ज़्यादा ये ऑस्टियम सेकेंडम के बीच में है, तो सबसे ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। एबनॉर्मल ओपनिंग इन द सेंटर ऑफ द एट्रियल सेप्टम, सेंटर ऑफ द आर्टरी सेप्टम पे, ठीक है। ऑस्टियम प्राइमम क्या है, ऑस्टियम प्राइमम इट प्रेजेंट्स एज एबनॉर्मल ओपनिंग इन द बॉटम ऑफ द एट्रियल सेप्टम, बॉटम पे ये है, बताया मैंने आपको, डायग्राम देखो नीचे है ऑस्टियम प्राइमम, ठीक है। ड्यू टू इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ सेप्टम प्राइमम, सेप्टम प्राइमम की इम्प्रॉपर डेवलपमेंट, जब भी सेप्टम प्राइमम बना होगा उसकी इम्प्रॉपर डेवलपमेंट हो गई होगी और ये ऑस्टियम प्राइमम बना लिया होगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, AV कैनाल डिफेक्ट होती है और इंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट, जो कि एसोसिएटेड होता है डाउन सिंड्रोम। ये आपको याद करना है कि AV कैनाल का डिफेक्ट होता है, इंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट जिसको कहते हैं, और ये किससे एसोसिएटेड होता है, डाउन सिंड्रोम से, ऑस्टियम प्राइमम। साइनस वेनोसस क्या है, साइनस वेनोसस है एबनॉर्मल ओपनिंग एट द टॉप ऑफ एट्रियल सेप्टम, ये एट्रियल सेप्टम के टॉप पे ही होता है साइनस वेनोसस, खत्म बात। पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं, हम लोग पैथोफिजियोलॉजी पे आते हैं इसकी। देखो क्या होता है, बेसिकली
फ्लो ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हायर प्रेशर ऑफ द लेफ्ट एट्रियम टू द लोअर प्रेशर ऑफ राइट एट्रियम थ्रू एएसटी, ठीक है ना, ये लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम गया, लीड्स टू वॉल्यूम ओवरलोड इन द राइट वेंट्रिकल। अब इसमें ज़्यादा ब्लड आया लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम ब्लड आया, तो ज़्यादा ब्लड आने एक तो इधर से आ ही रहा है, ठीक है, वाया इंफीरियर वेना कावा एंड सुपीरियर वेना कावा, अब इधर से भी ब्लड आ रहा है, ठीक है ना, तो इस पर ज़्यादा ब्लड हो गया, तो यहाँ पे ज़्यादा ब्लड राइट एट्रियम में है, तो ज़्यादा ब्लड राइट वेंट्रिकल में आएगा, तो वॉल्यूम ओवरलोड आया राइट वेंट्रिकल में, तो इंक्रीज ब्लड फ्लो टू लंग्स। राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है, पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स में ही जाता है, तो लंग्स में ज़्यादा वो चला गया, लीड्स टू पल्मोनरी हाइपरटेंशन, जहाँ ब्लड ज़्यादा जाना अगर हो गया लंग्स में तो वहाँ पे पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो गया। अब यहाँ ज़्यादा ब्लड आया राइट वेंट्रिकल में, ज़्यादा ब्लड आया तो राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी ना, उसको ज़्यादा ब्लड पंप करना है। अब कोई यही चीज़ तुम सोचो अगर, ठीक है ना, जो मतलब मान लो कि एक कोई तुम बैलून ले लो, बैलून का एग्जांपल सबसे बेस्ट है हर्ट समझने के लिए, तुम एक अपने कमरे में एक बैलून ले लो, ठीक है ना, अगर तुम्हें कभी भी हर्ट का फंक्शनिंग नहीं समझ में आ रहा है, ठीक, हर्ट का फंक्शनिंग समझने की सबसे बढ़िया है बैलून, ठीक, बैलून को ले लो, उसमें पानी भर दो, ठीक है ना। अब एक मान लो एक बड़ा सा बैलून ले लो, जो मोटे मतलब कि मोटा हो, बड़ा सा हो, और एक छोटा सा बैलून ले लो, ठीक है, छोटा बैलून में तुम कम पानी भर पाओगे, लेकिन बड़े बैलून में तुम क्या होगे, ज़्यादा पानी भर पाओगे, जो थोड़ा मोटा है, ठीक है ना, और छोटा वाला जो पतला वाला वो जल्दी फट जाएगा, ठीक है ना, जिसकी मतलब कि बॉल कमज़ोर है, लेकिन जो मोटा वाला है वो ज़्यादा पानी भर सकता है, ज़्यादा झेल सकता है, तो वही चीज़ है भाई, जो हार्ट होता है वो अपने आप को पैथोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली चेंज करता है, ताकि वो जो वॉल्यूम ओवरलोड आया है राइट एट्रियम से, ठीक है ना, उसको भी कंपनसेट कर सके, तो क्या करता है वो राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी करा देता है, ठीक है ना, यही चीज़ है। नेक्स्ट हम इसकी बात करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की, इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या क्या हो सकती हैं। ऑस्टियम सेकेंडम एंड साइनस विनोसिस एएसडी आर यूजली एसिम्प्टोमैटिक, जो ऑस्टियम सेकेंडम है और साइनस विनोसिस एएसडी है वो जनरली एसिम्प्टोमैटिक है, यूजली एसिम्प्टोमैटिक होती है, ठीक। द मैनिफेस्टेशंस आर ड्यू टू ऑस्टियम प्राइमम एएसडी डिपेंड अपॉन द एसोसिएटेड इफेक्ट्स, जो मैनिफेस्टेशंस होती हैं ऑस्टियम प्राइमम के द्वारा बेसिकली होती हैं और एसोसिएटेड इफेक्ट्स के द्वारा होती है, ठीक है ना, ठीक, जो मैनिफेस्टेशंस हैं बेसिकली ऑस्टियम प्राइमम के द्वारा होती हैं, ठीक है, और उसके साथ जो एसोसिएटेड डिफेक्ट्स हैं, जो कि इंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट में बताया था, ठीक है ना, ये एसोसिएटेड होती है किसके साथ, डाउन सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड होती है, ठीक है ना, ए वी कैनाल डिफेक्ट होता है जिसमें द चाइल्ड में हैव रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन, यहाँ पे क्या हो सकता है रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन, क्योंकि पल्मोनरी में गया वहाँ पे, ठीक है, राइट वेंट्रिकल, देखो राइट एट्रियम में आया राइट एट्रियम से, अरे राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से लंग में गया, तो यहाँ पे रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन करा सकते हैं, डिस्निया हो सकता है, पल्मोनरी एडिमा हो गया, ठीक है ना, क्योंकि चला गया ना सारा, समझ रहा है बात को, उधर सारा ब्लड करा है, डिस्निया हो गया, ठीक है, वहाँ पे कलेक्शन हो गया, पुअर वेट गेन नहीं हो पा रहा बंदे का, ठीक है ना, हो सकता है कार्डियक इनलार्जमेंट हो गया, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी, ठीक है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन बता चुका हूँ मैं पैथोफिजियोलॉजी में, ठीक है ना। डायग्नोसिस में कैसे हम लोग एग्जामिन करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन में ऑस्कल्टेशन अगर करेंगे तो क्या दिखाएगा, वाइड स्प्लिट ए टू पी टू, मैं बताया था आपको, ठीक है ना, एक बार और समझा देता हूँ, देखो क्या होता है, मान लो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, यहाँ पे डिफेक्ट है, ब्लड इधर गया, ये हो गया तुम्हारा आउटा, ये हो गया पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। अब ए टू पी टू होता है सेकेंड हार्ट साउंड, ठीक है ना, मान ली 30 मिलीसेकंड का है, 30 मिलीसेकंड का जो है एक ये स्प्लिट होता है, ठीक, ये फिजियोलॉजिकल ये, तो यहाँ पे ए टू हो गया, यहाँ पे पी टू, यहाँ पे अब कम ब्लड आ रहा है तो ये जल्दी बंद हो जाएगा ए टू, ठीक है ना, अपने समय से पहले ही बंद हो जाएगा, तो समय से पहले इसको बंद कर दिया, ठीक। लेकिन राइट वेंट्रिकल में क्या हो रहा, ज़्यादा ब्लड आ रहा है, ज़्यादा ब्लड आएगा तो ज़्यादा इसको टाइम लगेगा बार भेजने में, देर से बंद होगा, तो P2 को देर से हमने बंद कर दिया, तो क्या हुआ, एक दूसरे से दूर गए ना, ये एक दूसरे से दूर गए, तो दूर गए तो क्या हुआ, स्प्लिट हुआ, ए टू पी टू का स्प्लिट, वाइड फिक्स, ये ए टू पी टू का स्प्लिट हो गया ड्यू टू डिक्रीज ब्लड फ्लो और ड्यू टू LVH के कारण से क्या होता है, ये RVH है सर, आई एम सॉरी, RVH के कारण से ये P2 होता है, और ड्यू टू डिक्रीज ब्लड फ्लो ये क्या होता है, A2 होता है, ठीक है। ऑस्कल्टेशन ऑफ हर्ट साउंड पे ये दिखेगा, शो मर्मर साउंड एट द लेवल ऑफ अपर एंड लोअर स्टर्नल बॉर्डर, ये मर्मर साउंड भी दिखाएगा अपर एंड लोअर स्टर्नल बॉर्डर पे। चेस्ट एक्सरे में क्या आएगा, इट शोज राइट एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर डायलेशन, ठीक है ना, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ मोर अमाउंट ऑफ ब्लड इन द लेफ्ट साइड थ्रू एएसडी, ठीक है। इकोकार्डियोग्राम में देखो क्या देखोगे, बाय दिस प्रोसीजर मॉनिटर लाइक सेप्टल डिफेक्ट का तुम साइज देख सकते हो, पोजीशन देख सकते हो, फ्लो ऑफ ब्लड कैसा है ओपनिंग के थ्रू, ठीक है, इकोकार्डियोग्राम पे देख सकते हो, इको करा लेना, ठीक है ना, सेप्टल डिफेक्ट का साइज, पोजीशन, फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है, देख सकते हो। ECG शोज राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी की ECG फाइंडिंग्स होंगी इसमें,
मैनेजमेंट क्या है, सर्जिकल क्लोजर करा दो, डिफेक्ट का है, स्प्लैंड इन अर्ली हाइट चाइल्डहुड टू प्रिवेंट फर्दर कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है ना। तो इनका जो है सर्जिकल क्लोजर करा दो अर्ली चाइल्डहुड में, तो ताकि वो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस ना कर सके। एरिथमिया एंड कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर शुड भी मैनेज मेडिकली, ठीक है ना। एरिथमिया और कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर जो है मेडिकली भी मैनेज कर सकते हैं। सर्जिकल का क्या रिपेयर करना है, केवल डिफेक्ट को क्लोज कर दो इन अर्ली चाइल्डहुड ताकि फर्दर कॉम्प्लिकेशंस ना हो पाए। सर्जरी क्या है, रिपेयर डिफेक्ट इज डन बाय सूचर क्लोजर और पेरिकार्डियल पैच रिपेयर बाय ओपन हार्ट सर्जरी, ठीक है ना। सूचर के द्वारा क्लोज कर सकते हो या पेरिकार्डियल पैच रिपेयर के द्वारा क्लोज कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये दोनों इसकी सर्जरी है, सूचर के द्वारा रिपेयर कर सकते हो या पेरिकार्डियल पैच लगा सकते हो वहाँ पे, ठीक। तो ये बात रही आपकी एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट की। आई होप आपको इसका थोड़ा सा, ये जो हर्ट साउंड वाला एरिया है वहीं भी बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, और तो सब चीज़ें इजी हैं इसमें, ठीक है ना। तो उसको मैंने दो बार समझा दिया, आई होप वो भी इजी हो गया, क्योंकि सिंपल इसमें सिंपल मैकेनिक्स है, ठीक है ना। दिस इज बेसिकली मैकेनिक्स, इसमें कुछ ही समझने वाली चीज़ है, ठीक है ना। तो अगर एक बार समझ गए तो वो याद रहती है, ठीक है ना। इसमें बहुत ज़्यादा रटने वाली चीज़ नहीं है ये, ठीक है ना। बहुत ही ईजीली, और मैं इससे आसान शब्दों में शायद से नहीं समझाया जा सकता था, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आता है, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।